हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैप डिस्कस करेंगे और आज का हमारा मैप है साउथ चाइना सी को लेकर के। ये जो साउथ चाइना सी जो रीजन है वो पिछले कुछ सालों से काफी न्यूज में है। काफी इस एरिया में काफी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर क्लेम करते हैं चाइना और इसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो, उसी को लेकर के साउथ चाइना सी काफी न्यूज में बना हुआ है। साउथ चाइना सी, जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, ऐसा सी जो चाइना के साउथ में है, तो इसकी प्रेजेंस के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है साउथ चाइना सी। चाइना के दक्षिण में है, साउथ में है, इसीलिए इसका नाम दक्षिणी चीन सागर हो गया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाइन डैश लाइन। चाइना का क्लेम है कि इस नाइन डैश लाइन के अंदर जो टेरिटरी है, जो आइलैंड्स है, वो चाइना का ही हिस्सा है। लेकिन जो और पड़ोसी देश हैं चाइना के, जैसे फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, इधर सिंगापुर, वियतनाम, ये नीचे इंडोनेशिया, ये बोलते हैं कि हमारा भी जो क्लेम है, भाई आपने नाइन डैश लाइन किस आधार पर डिक्लेरेशन कर दिया, हम भी तो आपके पड़ोसी देश हैं, साउथ चाइना सी तो हमारे पास में भी है, तो इन टेरिटरी, इन आइलैंड के ऊपर हमारा भी तो हक हो सकता है, डोमिनेशन हो सकता है। तो इसी को लेकर के ये एरिया काफी डिस्प्यूटेड है। अब इस एरिया में जो इम्पोर्टेंट टेरिटरी आइलैंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है पारासल आइलैंड्स, ये है स्प्रेटली आइलैंड्स और ये है स्क्रैमबोरो सियोल। अब थोड़ा अच्छे से मेजर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पारासल आइलैंड देख लिया, यहाँ पर देखिए रियू आइलैंड्स, ठीक है, ये फिलीपींस है चाइना के साउथ में, इस साइड फिलीपींस, ये ताइवान। फिलीपींस का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है लुजोन आइलैंड और ताइवान और लुजोन के बीच में है लुजोन स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होती है, एक वॉटर का एक नैरो पैसेज जो टू बिग वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है, वो होता है स्ट्रेट। तो ये है लुजोन स्ट्रेट जो फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करती है। इस लुजोन आइलैंड के ऊपर एक ताल लेक है और ये ताल लेक जो है वो वोल्केनो क्रेटर लेक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी लेक है जो क्रेटर लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है, उस लेक का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड लुजोन, यहाँ पर है सुलुसी और ये है सेलेब्स, ठीक है। रियो आइलैंड आपने देख ही लिया, यहाँ सिंगापुर है और इसके नीचे इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है और सिंगापुर और इस आइलैंड के बीच में पड़ता है मलक्का स्ट्रेट। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो मलक्का स्ट्रेट देखा, यहाँ पर देखा हमने लुजोन स्ट्रेट। तो इस साउथ चाइना सी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड्स यहाँ पर हैं, उन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से रीड किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, हाइएस्ट सिंगल डे स्पाइक सिंस अक्टूबर 23 रजिस्टर्ड। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेरेशन किया है कि हमारे यहाँ पर 17 अक्टूबर 2020 के बाद में सबसे ज्यादा डेली स्पाइक इंडिया में देखने को मिला है। एक दिन में 58,735 कोविड-19 के केसेस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र रेगुलर सबसे ज्यादा हाईएस्ट केस वहाँ से डेली बेसिस पर आ रहे हैं और उसके बाद में पंजाब, कर्नाटका और 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पूरे इंडिया में जितने केसेज हैं ना उसके 80.63% तो सिर्फ और सिर्फ इन 8 स्टेट से सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, व्हाई नो डिसीजन ओनली सेंट बाय कोलिजियम एससी आस गवर्नमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा टाइटल में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछ लिया कि हमारी कोलिजियम ने जो रिकमेंडेशन दी है आपको कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसी है उनको आपको फिल करना है, लेकिन पिछले 18 से मतलब कुछ रिकमेंडेशन को दिए हुए 6 महीने हो गए और कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए तो 18 महीने हो गए, तो वो रिकमेंडेशन 6 से 18 महीने तक, मतलब ये टाइम पीरियड बताया गया है कि 6 महीना मिनिमम और 18 मंथ मैक्सिमम, इसके बीच में टाइम पीरियड है और इतना टाइम हो गया आपको रिकमेंडेशन दिए हुए और अभी तक वो रिकमेंडेशन पेंडिंग है, आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।
देखो, ये जो रिकमेंडेशन है उसको दिए हुए कारण बहुत सारी जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी जिन हाई कोर्ट में है उनके बारे में बताया गया है। पटना में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी है, कलकत्ता, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें तो मणिपुर, मेघालय और सिक्किम ऐसे स्टेट हैं जिनके हाई कोर्ट में कोई वैकेंसी नहीं है। केरला में भी बहुत कम है और गुवाहाटी में भी बहुत ज़्यादा कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है गवर्नमेंट से कि आपको हमारी कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन है उनके आधार पर आपको काम करना चाहिए ताकि ये जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जा सके और हमारे हाई कोर्ट्स के ऊपर जो पेंडिंग वर्क का जो लोड बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके। अब कॉलेजियम ये वर्ड आया है, इसके बारे में हम सारे बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। कॉलेजियम एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम में एक CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जज, मतलब CJI प्लस में चार सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब मिलकर के बनाते हैं, मतलब पांच लोगों की टीम है कॉलेजियम। अब ये कॉलेजियम रिकमेंडेशन देता है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है, किसी जज का ट्रांसफर करना है, हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है, एलिवेशन करना है, उसका ट्रांसफर करना है, उसको लेकर के गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट उन लोगों का नाम वापस भेज सकती है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को, मतलब उस कॉलेजियम को। कॉलेजियम सलाह देगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वापस से वो नाम भेज सकती है। अगर कॉलेजियम दोबारा से वही नाम भेज दे तो उस रिकमेंडेशन को मानना गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन कितने दिनों में एक दूसरे को रिप्लाई दिया जाएगा इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। यही कारण है कि जो गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेशन पे इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि टाइम पीरियड तो फिक्स है नहीं, और टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो इसी की वजह से रिप्लाई देने में लेट होता है, और लेट होता है तो जो अपॉइंटमेंट है उनमें भी देरी होती है। देखो, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉलेजियम और फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो उसमें रेगुलर अमेंडमेंट हुए उसमें भी कॉलेजियम के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो ये हमने डिस्कस किया कॉलेजियम के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट न्यूज, इन सिग्नल टू चाइना US रेस्ड इंडिया टाइज ड्यूरिंग अलास्का टाइट चेन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि टाइटल में बोला गया है कि अभी US और चाइना के बीच में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उनके बीच में अलास्का में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में US ने इंडिया के साथ में जो संबंध है उनको अच्छे से उठाया और चाइना को ये सिग्नल दिया कि US और इंडिया के जो टाइज हैं वो काफ़ी इंक्रीज होते जा रहे हैं। हालांकि दो महीने लगभग US में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हुए हैं लेकिन स्पेशली इंडिया और US के जो टाइज हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसका उन्होंने सिग्नल दिया है चाइना को। अभी उन्होंने क्वेड मीटिंग की थी US के प्रेसिडेंट ने और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए डील करने के लिए स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्वेड मीटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। हालांकि जो क्वेड मीटिंग है वो 2007 से ही इनिशिएट हो चुकी है लेकिन 2017 में दोबारा से इसको रिवाइवल किया गया था। चार देशों का समूह है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। नेक्स्ट न्यूज, अपेक्स कोर्ट बैट्स फॉर वीमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा जो अपेक्स कोर्ट है मतलब जो हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसने अभी कुछ कंसर्न क्रिएट किए हैं किसके लिए, जो हमारे आर्मी में एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें वीमेन के खिलाफ उन्होंने बोला है कि जो सिलेक्टिव इवेल्यूशन प्रोसेस है उसमें स्पेशली वीमेन के खिलाफ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसी की वजह से जो वीमेन का जो आर्मी का जो परमानेंट कमीशन है उसमें जो मैन की जो संख्या है वो ज़्यादा है और वीमेन की संख्या कम है। कोर्ट ने ये भी बोला कि जो इवेल्यूशन पैटर्न ऑफ वीमेन ऑफिसर्स हैं इसकी वजह से उनको इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल हार्म होता है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किए हैं कि वीमेन ऑफिसर्स के जो केस हैं हु हैव अप्लाइड फॉर परमानेंट कमीशन शुड बी रिकन्सिडर्ड इन ए मंथ। जिन्होंने भी परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रखा है उनको एक मंथ में कंसिडर करना है उन सारी बातों को एंड डिसीजन ऑन देम शुड बी गिवन इन 2 months और 2 महीने में उसके ऊपर डिसीजन देना है। नेक्स्ट न्यूज, मोदी इनसिक्योर अबाउट केजरीवाल पॉपुलरिटी।
कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो ये तो पॉलिटिकल बात है, कॉन्टेक्स्ट सीधी सी बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो दिल्ली के एलजी होते हैं उनको पावरफुल बनाने के लिए वो एक बिल लेकर के आई है और वो बिल पास हो गया है। उस बिल के ऊपर पार्लियामेंट यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 पार्लियामेंट में लेकर के आई थी और इसी को लेकर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया उन्होंने बोला है कि केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है उससे नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो भी काम किया जा रहा है उसको कर्व किया जा सके और एलजी को जो मोर पावरफुल हो जाएगा तो कोई भी ऑर्डर कोई भी लॉ पास करने से पहले दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा एलजी का। और एलजी तो हर चीज को भेज सकता है प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए, तो एक तरीके से वहां पर काम में बाधा क्रिएट होगी और बाधा क्रिएट जब हर्डल क्रिएट होगी तो जो वहां की जो गवर्नमेंट है दिल्ली दिल्ली यूटी की जिसको दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है 239 AA के तहत 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत, और तभी से इसमें ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बनाया गया था। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को जिस तरीके से कर्व करने की कोशिश की जा रही है तो ये रेगुलर इसका विरोध किया जा रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, पार्लियामेंट एडजर्न्ड अहेड ऑफ सेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो अप्रैल तक चलने वाला था लेकिन कुछ जो एमपी है जैसे तमिलनाडु वेस्ट बंगाल आसाम पुदुचेरी और केरला यहाँ के जो एमपी है उन्होंने इस बात को बोला कि जो पार्लियामेंट के बजट सेशन का जो सेकंड पार्ट है उसको कम किया जाए क्योंकि इन स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो पार्लियामेंट का सेकंड सेशन था बजट सेशन का उस सेकंड फेज को कम कर दिया गया और इसको एडजर्न कर दिया गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की एफिकेसी क्या है। जैसे 132 घंटे की लोकसभा की सिटिंग रही, 24 सिटिंग रही लोकसभा की, जिसमें 114 मतलब 114% प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। 18 बिल पास हुए हैं लोकसभा से और फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल को इसमें शामिल है। 171 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, रिपोर्ट आई पार्लियामेंट्री कमेटीज की, 84 स्टार्ड क्वेश्चन को आंसर ओरली दिया गया। राज्यसभा की अगर बात करें तो 23 सिटिंग हुई, 104 घंटे हाउस बैठा, 90% प्रोडक्टिविटी सामने आई, 19 बिल पास हुए और 42% ऑफ द फंक्शनल टाइम ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर खर्च हुआ। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट बिल आए जैसे दिल्ली को लेकर के जो बिल आया लेकिन उसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर को लेकर के फार्मर जो बिल है उनको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है वो रेगुलर यहाँ पर वैकेंट सीट रही उनकी हमेशा। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं। उन्होंने बोला कि जो हम 75 इंडिपेंडेंस की 75 एनिवर्सरी में प्रवेश कर रहे हैं ये हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है और हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम इस टाइम को क्या कर पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, UIDAI FCI गेट न्यू हेड्स इन गवर्नमेंट रिजर्वल। मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नए अपॉइंटमेंट किए हैं जैसे UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बनाए गए हैं सौरभ गर्ग को। इसके अलावा FCI के जो हेड हैं उसको अतीश चंद्र को बनाया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है संजीव कुमार को। तो इसके अलावा ESIC के हेड भी बनाए गए हैं, गवर्नमेंट और ई मार्केट प्लेस का हेड बनाया गया है। इसके अलावा मेंबर स्पेस कमीशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड तलीन कुमार एज मेंबर इन द स्पेस कमीशन, मतलब बहुत सारी जो पोस्ट हैं उनके ऊपर रिसफल किया गया है। अब ये तीन पॉइंट्स है UIDAI AAI और FCI, ये तीन इंपॉर्टेंट बॉडी हैं, इनके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टेचुरी अथॉरिटी है, 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था
और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। अब देखो, जब भी मैं कोई बॉडी डिस्कस करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। प्रीलिम्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछ लेंगे कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं हो ना, आप न्यूज़ पढ़ रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे पढ़ा जाए, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो देख लिया करो। जब आप वो देखोगे रेगुलर, तो आपको एक विजन क्लियर होगा, और जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस न्यूज़ को किस तरीके से रीड करना है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस कम से कम 5 ईयर के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपके हाथ में होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब ये UIDAI क्यों बनाया गया था? इसके बनाने का मेन कारण ये था कि जो हमको आधार कार्ड 12 नंबर का जो डिजिट नंबर दिया जाता है, उसको देना था लोगों को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, स्टेचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, और 1995 में इसको बनाया गया था। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी स्टेचुरी बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आती है। 1965 में इसको बनाया गया था। इसका जो इनिशियल हेडक्वार्टर, मतलब जब 1965 में इसको बनाया गया था, और इसका जो इनिशियल हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में था, लेकिन बाद में इसके हेडक्वार्टर को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीन एक्सपोर्ट में भी कब, एक ऑफिशियल डाटा को सामने आए हैं, उसमें ये बोला गया है कि देखो, जो इंडिया है वो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के तहत एक कोवैक्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उसमें जो हायर इनकम कंट्रीज हैं वो वैक्सीन दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इसी में जो इंडिया काफ़ी अच्छी सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है हमारे इंडिया में कि 1 अप्रैल से 45 ईयर से ज़्यादा एज के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। मतलब इंडिया में ज़्यादा कंजम्पशन होने वाला है वैक्सीन का, तो इसीलिए बोला गया है कि कुछ समय के लिए इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रहा था उसके ऊपर कुछ कमी लेकर के आएगा। हालांकि ये भी बात क्लियर की गई है कि फुल बैन नहीं लगाया जाएगा एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन जो हमारी मांग है उसके अकॉर्डिंग कुछ कमी की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट पोस्टिंग रिटायर्ड जजेस टू क्लियर बैकलॉग इन FC। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि हाई कोर्ट में जो केसेज की पेंडेंसी है, उस बैटल को कम करने के लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, ताकि जो पेंडेंसी है, जो बढ़ता जा रहा है लोड, वो कम हो सके। नेक्स्ट न्यूज, NHRC इश्यूज नोटिस टू UP पुलिस चीफ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जो DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको नोटिस जारी किया है। इम्पोर्टेंट बात इस आर्टिकल में ये दे रखी है कि उन्होंने सुओ मोटो के आधार पर, मतलब खुद अपने संज्ञान में लिया NHRC ने, और उनको लगा कि नहीं, उनको इसके ऊपर क्या करना है, काम करना है, इसीलिए उन्होंने DGP को खुद ने एक नोटिस दिया कि आप उनको जो काम करना चाहिए था उसमें आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब NHRC के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स को देखें, तो स्टेचुरी बॉडी है, और इसको 1993 में पार्लियामेंट के एक लेजिस्लेशन के तहत इसको बनाया गया था, और इसका जो मेन काम है वो ये है कि हमारे कंट्री में जो वुमेन राइट्स है उसके लिए एक वॉच डॉग का काम ये करती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन जो होता है वो CJI, रिटायर्ड CJI, हमारे इंडिया का रिटायर्ड CJI होता है, और जो मेंबर्स हैं उनमें सर्विंग या फिर रिटायर्ड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा दो व्यक्ति तो ऐसे होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, या तो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं जज, या फिर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो होंगे इसमें दो मेंबर ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा 4 मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन,
नेशनल कमीशन फॉर एससी का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का चेयरमैन और नेशनल कमीशन फॉर एसटी का चेयरमैन, मतलब जो भी इन कमीशन के हेड होंगे वो इनडायरेक्टली इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। नाम स्पेसिफिक नहीं है, जो भी चेयरमैन होगा वो इनडायरेक्टली इसका मेंबर बन जाएगा। अब ये हमने इसका कंपोजिशन देख लिया, इसको अपॉइंट कौन करते हैं, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करता है। उस कमेटी में 6 लोग होते हैं, पीएम होते हैं हमारे उस कमेटी के हेड, इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन और दोनों ही हाउस में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो होगा और एक सेंट्रल होम मिनिस्टर। ये 6 लोग मिलकर के रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में जब इसका कंपोजिशन देखा तब हमने एक बात डिस्कस की तो कि इसमें हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या फिर रिटायर्ड जजेज होंगे। तो जब अगर उसमें सर्विंग जजेज को लिया गया है तो उसके बारे में जो रिकमेंडेशन है वो सीजेआई देगा कि किसको अपॉइंट किया जाना है। इनको हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है। अब इनकी जो टर्म लेंथ है वो या तो ये 5 साल तक काम कर ले या फिर 70 ईयर्स इनकी एज कंप्लीट हो जाए। और अगर ये एक बार एनएचआरसी के पद पर रह गए चेयरमैन या फिर मेंबर, उसके बाद में इनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तहत कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे उसके बाद से। तो 5 साल या फिर 70 साल जो भी पहले ही अचीव कर लेंगे उसके बाद में इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये एनएचआरसी के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेज बैलिस्टिक मिसाइल। अभी देखो कॉन्टेक्स्ट सामने आया है कि नॉर्थ कोरिया ने यूएस को काउंटर करने के लिए, क्योंकि यूएस जो साउथ चाइना सी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन इस वाले एरिया में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको कर्व करने की, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है उसमें ये बात बोली गई है जापान के पीएम सुगा के द्वारा कि ये जो उन्होंने काम किया है इससे इस रीजन में जो पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करने वाला काम है। नेक्स्ट न्यूज, मनीला सेंड्स मोर शिप्स टू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का हमने मैप देखा, इसमें एक पारासल आइलैंड और पारासल आइलैंड में जो विट्सन रीफ काफी न्यूज में है, सॉरी पालावन आइलैंड के पास है विट्सन रीफ, उसको लेकर के काफी न्यूज हो रही है। चाइना के कुछ बोर्ड्स 183 बोर्ड्स वहां पर काफी समय लंबे समय से रुके हुए हैं और अब फिलीपींस ने भी अपने बोर्ड्स वहां पर भेज दिए हैं। इसी को लेकर के फिलीपींस मिलिट्री ने ऑर्डर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो नेवी शिप्स हैं उनको इसमें क्या किया जाए, डिप्लॉयमेंट किया जाए ताकि जो टेरिटरी का इंकर्जन बढ़ रहा है चाइना की ओर से उसको काउंटर किया जा सके। देखो चाइना रेगुलर इस एरिया में जो भी आइलैंड्स हैं उनको कर्व करने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी को खुद का बनाने की कोशिश रेगुलर कर रहा है। बहुत लंबे समय से चीजें चल रही हैं और रेगुलर इसी कोशिश में वो लगा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, विल रन फॉर प्रेसिडेंसी इन 2024 टू सेज जो बाइडेन। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये पूछा गया जब उनसे कि 2024 के चुनाव में क्या दोबारा से वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि यस, प्लानिंग तो है री इलेक्शन की लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में क्या एडजस्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज, स्वेज कैनाल टेम्पररी हाल्ट नेविगेशन। कल भी हमने डिस्कशन किया था कि स्वेज कैनाल जो 1869 में बनाई गई थी ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपना ट्रेड में जो पैसा मनी और टाइम और इसके अलावा जो ज़्यादा खर्चा आता है उसको कम किया जा सके, इसीलिए मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट कर दिया गया स्वेज कैनाल को बना करके। तो उस एरिया में एक बड़ी वेसल फंस गई है और उसी को जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर और छोटी छोटी वेसल जो है फंसी हुई है। ये जो एरिया है स्वेज कैनाल वाला जो एरिया काफ़ी व्यस्त बिजी रूट है और इस रूट पर रेगुलर बहुत सारी जो वेसल्स हैं वो पास होती हैं कंटेनर लेकर के, ट्रेड के लेकर के ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।